2014 के बाद हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि कोई सरकार के पॉलिसी के खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएट ये 124A सेडिशन केसेस लगवा रहे हैं। This particular section is abused, misused, and is used to chill free speech is demonstrated by the figures which the government has supplied. कृषि आंदोलन ऐसी ही एक दीवार है, इस पर रोज शाम होते होते एक नया लेबल लगा दिया जाता है। कुछ नेताओं ने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी लिंक वाला बताया, बात से बात नहीं बनी तो अब आंदोलनकारियों को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जोड़ रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलता है, किसी को नक्सलवादी करार देते थे, किसी को खालिस्तानी, किसी को जाटिस्तानी, किसी को आतंकवादी, मतलब देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई और वो है आंदोलन जीवी। A journalist who was jailed by the UP police when he was on his way to Hathras to report the rape and murder of a Dalit girl. 28 महीने जेल में रहा, मेरा माँ का इंतकाल, मुझे बहुत नुकसान ही टाइम, मेरा यूथ टाइम मैं जेल में। The difficulty with Section 124A, it makes the offence of alleged sedition punishable with life imprisonment. Despite the fact that an attempt has been made through two explanations to very narrowly focus as to what falls within the ambit of sedition, this law continues to be misused. Would the government bring an amendment which further narrows down the scope of the application of Section 124A?